कवित्री को मैं साथ ले गया, तो सो रही थी, मैं सुबह सुबह घूमने निकल गया। वहाँ मिसिस दीपक जी वहाँ पर है ना एक बहुत बढ़िया म्यूजियम था, तो उसके गेट पे छोटी छोटी अंग्रेजन खड़ी थी छोटे छोटे कपड़ों में। मैंने कहा जी आप क्यों खड़ी हो? बोले हम गाइड हैं, यहाँ घुमाती हैं। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे? तो कहती जी 200 यूरो। मैंने कहा 200 यूरो? 100 रुपये का यूरो मैंने गुणा करके देखी, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी आलू भी बिना मोल भाव के नहीं खरीदता। तो मैंने 200 को गुणा किया 100 से, मैंने कहा 20,000। अरे मैं कहा बावड़ी हो रही है तुझे, पता नहीं हम तो मफतलाल जी के प्रोग्राम करते हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम। मैंने कहा 500 रुपये लेने तो बात कर। अच्छा अगली समझ गई 500 का नाम लेते कि हाँ ये सच बोल रहा है। मैं उसने मना कर दिया, मैं तो बहन जी खुद ही देख दाख के आ गया, काय के 20,000 देने थे, तो मैं देख दाख के आ गया। लेकिन बहुत शानदार प्रोग्राम था। मैंने वापिस आके कवित्री को बताया, मैंने कहा जी प्रोग्राम बहुत शानदार था, बहुत ही बढ़िया म्यूजियम, क्या फव्वारे क्या लाइटिंग। वो तो मेरे सिर होगी, बोली मुझे भी लेके चलो। अब मैं मजबूरी में उसको लेके गया। जैसी म्यूजियम के गेट पे पहुंचा वो अंग्रेजन आ गई, पहले तो कवित्री को देखा फिर मुझे, और मेरे कंधे पे हाथ मार के बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। तो कई बार ऐसी मिलती है भाई साहब कि आदमी सोचता है कब पीछा छूटे। वो कॉलेज के दो दोस्त बहुत पुराने, उस टाइम मोबाइल भी नहीं होते थे, वो बहुत दिनों बाद आपस में मिले। एक ने पूछा और मित्र कैसे कटे इतने साल? बोला जी मैंने कॉलेज के तुरंत बाद शादी कर ली। बोला ये बहुत अच्छा किया। बोला इतना अच्छा भी नहीं किया क्योंकि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। बोला ओहो फिर तो तेरा जीवन नरक बन गया होगा। बोला नहीं इतना नरक भी नहीं बना क्योंकि मुझे दहेज में 20 लाख रुपए मिले थे। बोला अरे वाह तेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। बोला ना इतने बल्ले बल्ले भी नहीं हुई क्योंकि उस 20 लाख से मैंने एक दुकान खरीद ली, लेकिन दुकान पे ग्राहक ही नहीं चढ़ता था। बोला ओहो फिर तो बहुत परेशानी हुई होगी। बोला नहीं इतनी परेशानी भी नहीं हुई क्योंकि दुकान थोड़े दिन बाद ही मैंने 40 लाख की बेच दी। अरे बोला तेरी तो 5 चुंगड़ियाँ घी में सिर कढ़ाई में। बोला जी इतना भी सिर कढ़ाई में नहीं गया क्योंकि उस 40 लाख से मैंने एक मकान ले लिया, लेकिन मकान में आग लग गई। बोला ओहो तू तो बहुत दुर्भाग्यशाली निकला। बोला नहीं इतना दुर्भाग्यशाली भी नहीं निकला क्योंकि पत्नी भी उसी में जड़ के मर गई। मामला साफ, हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। कमाल है। लेकिन मैं अभी आपने डुएट देखा हमारा बलजीत जी का मेरा, मैं चाहता हूँ कि उनकी काव्य प्रस्तुति के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करूँ। 4 पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ कि नारी जब जब सीता बन के वन में जाएगी, नारी जब जब सीता बन के वन में जाएगी, स्वाभिमान से देश की गर्दन तन ही जाएगी, और अंतरिक्ष को चूम चुके हैं कदम सुनीता के, और प्रतिभा जिसमें हो वो राष्ट्रपति बन ही जाएगी। आप राष्ट्रपति बने ना बने लेकिन राष्ट्रपति ने इन्हें अवार्ड दिया, बहुत बड़ी बात है। हमारे देश की एक कवित्री राष्ट्रपति अवार्ड लेकर के आई, जोरदार तालियों से स्वागत करें बलजीत कौर तन्हा जी, हमारे देश की एक्ट्रेस और नेत्री और अभिनेत्री दोनों। आप सबने कभी तराजू देखा है? देखा है ना, तराजू का कौन सा पलड़ा नीचे जाता है जिसमें वजन ज्यादा होता है? तो वो जो तराजू का पलड़ा है वजन ज्यादा है वो नीचे आपका पलड़ा है। आप सब एक बार खुद के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे श्रोता इस बार मफतलाल जी ने दिए, पैसे बेशक कम दिए दिए ये क्या कम है हाँ ये तो इनका बड़प्पन है। मफतलाल जी सब चीजें मुफ्त की ढूंढते रहते हैं। नाम का प्रभाव पड़ता है बलजीत जी, ऐसी इनका नाम मफतलाल ही रख दिया गया। सच में ढूंढते रहते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो पूछते हैं भाई तू मेरे लिए फ्री में क्या कर देगा? विनोद भाई सुनना, तू मेरे लिए फ्री में क्या कर देगा? बोला क्या करना है? बोला देख मैं तो कभी भी फ्री में बुला लेता हूँ, तू क्या करेगा? बोला जी मैं कब्र खोदता हूँ। फ्री में खोद दूंगा। हंसी की बातें कहीं से निकल आती है। लेकिन आज जब मोनिका प्रेम का गीत सुना रही थी और सब ताली बजा रहे थे तो मुझे लगा कि कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते। आहा। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है? तो एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए। बिल्कुल शानदार अभी कवि सम्मेलन चल रहा है। वैसे भी बलजीत जी कहावत है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता,
अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। देखिए ना, ऐसे काम कीजिए, अब आराम कीजिए, थोड़ी आपकी भी उम्र हो गई है, अब इस उम्र में राम राम कीजिए। भैया आज तो सारा देश ही राम राम कर रहा है जब से राम मंदिर बना। हाँ बिल्कुल, राम की उससे याद आया जी, मैं नई एक कविता है उसका एक छंद दे देती हूँ, स्वागत अपने उसमें आती हूँ। स्वागत स्वागत। कभी ये दिल से निकली आवाज है और मुझे लगेगा ये मंच शायद नई कविताओं के लिए बहुत अच्छा है और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ। जो दिल की आवाज निकली थी इन दिनों, और दिल की आवाज हमेशा सच्ची होती है, ये मेरा मानना है कि इस मिट्टी की कोख से, सुनिएगा, इस मिट्टी की गोद से एक माँ की कोख से हाँ मैं जनी हूँ, इस मिट्टी की गोद से एक माँ की कोख से हाँ मैं जनी हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, जान लो ना मैं एक सनातनी हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, जान लो मैं एक सनातनी हूँ। पूजती हूँ रब को, मानती हूँ सबको, पूजती हूँ रब को, मानती हूँ सबको, क्यों धर्म जाति के नाम पर आज मन ये मैला हुआ है, क्यों धर्म जाति के नाम पर आज मन ये मैला हुआ है, जबकि खोज कर देख लो सनातन तो हमारी रग रग में फैला हुआ है। खोज कर देख लो ये सनातन तो हमारी रग रग में फैला हुआ है, बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, प्रकृति को सलाम करो, सब प्राणियों का जीवन मूल्यवान हो, और आरती के बाद कहते हैं हम विश्व का कल्याण हो। आरती के बाद कहते हैं हम विश्व का कल्याण हो। इन्हीं परंपराओं को मानने वाला फूल हूँ, ना कि नफरत फैलाने वाली नागफनी हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, बस इतना जान लो मैं एक सनातनी हूँ। इस मिट्टी की गोद से एक माँ की कोख से हाँ मैं जनी हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, जान लो मैं एक सनातनी हूँ। क्या बात है, वाह। तो ये छोटी छोटी कविताएं हम लोग आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आपकी जो तालियां हैं वो हौसला दे देती हैं, तो अच्छा लगा और बहुत बहुत साधुवाद। रही बात हंसने की, हाथ से कहीं से निकल आता है। मैं तो जिस खानदान में हूँ, सरदारों के खानदान में हूँ, हमें हंसने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, हम तो आँख खोले सामने सरदार। वैसे मैं टेंशन लेती नहीं, मैं जिस खानदान से हूँ हम टेंशन नहीं लेते, आप सबको पता है। हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले हमने नहीं ली। क्या करना है, टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तानी टेंशन ही अजीब तरह की लेते हैं। अमेरिका में लाइट चली जाए लोगों को टेंशन होती है, वो पावर हाउस को फोन करते हैं। जर्मनी में लाइट चली जाए टेंशन हो जाती है, इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं। एक हमारे हिंदुस्तान में लाइट चली जाए, मेरे पति बेटे को आवाज लगाते हैं, काके देखी साड़ी गई पड़ोसी दीवी गई। तो टेंशन ले लो, मस्ती में रहो। और रही टेंशन, आप देखो हाथ से कहाँ से निकलता है। मैं तो एक दिन घर गई, स्कूल से घर गई तो हमारी पड़ोसन गुजर गई थी, मैंने देखा सारा अपार्टमेंट वहां, लेकिन मेरी सरदार जी मुझे दिखे ही नहीं। मैं गई अंदर, मैंने देखा सरदार जी घर पर ही चुपचाप बैठे हैं, मनुष्य शक्ल। मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए। वो मेरी ओर देख के बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। बताओ। अच्छा हमारे तो पड़ोस में ही ऐसा माहौल हो जाता है कि क्या कहूं। हमारे एक पड़ोसी है, उन्होंने कार ली, लोन लेके ली थी, लेकिन लोन नहीं चुका पाए। तो आपको पता है लोन नहीं चुकाओ तो क्या होता है, बैंक वाले आते हैं और जिस चीज के लिए लोन लिया होता है उठा के ले जाते हैं। तो बैंक की किश्त नहीं दी तो पड़ोसी कार उठा के ले गए, पति फिर मनुष्य शक्ल बना के बैठ गए। मैंने कहा कार पड़ोसियों की गई, मनुष्य शक्ल तुमने क्यों बनाई। बोले तू नहीं समझेगी। मैं कहा आप समझा दो। बोले देख पड़ोसी ने लोन लेके कार ली। मैं कहा हाँ जी। बोले लोन की किश्त नहीं दी। मैं कहा हाँ जी। बोले बैंक वाले आए कार उठा के ले गए। मैंने कहा हाँ जी। बोले काश पहले पता होता लोन लेके शादी करवाता, किश्त नहीं चुकाता।